ब्रेकफास्ट टुडे इज़ अगेन ओट मील, बट आज ये ब्लू पी वाली टी डाली है मैंने, इसलिए ब्लू कलर का है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज मेरा ब्रेकफास्ट इज़ अगेन अ कोल्ड ओट मील, मैंगो एप्पल मिक्स सीड्स पॉमीग्रेनेट एंड सम ब्लूबेरीज। ये मेरा समर में इज़ अ स्टेपल ब्रेकफास्ट, आई लव दिस। इसमें कोई टाइम नहीं लगता बनाने का एंड टेस्ट रियली गुड, और इसमें सारी चीज़ें हैं, और इसको खाने के बाद कम से कम नहीं तो 4-5 घंटे भूख नहीं लगती है। लाइक अभी नौ वॉच है नहीं मेरे पास, बट अभी जैसे मैं खाऊंगी तो मेरे को 2 बजे तक बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। दिस कीप्स यू फुल फॉर लॉन्गर। मुझे फ्रूट्स वैसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट आई लव मैंगोज, ब्लूबेरीज भी, मतलब बेरीज और मैंगो मुझे बहुत पसंद है। बाकी सब मैं खा लेती हूँ, आई डोंट लाइक एप्पल एट ऑल, बट मैं खा लेती हूँ। आई फिनिश माई प्रिटी ब्रेकफास्ट एंड सी यू एट लंच, बाय। सो फॉर लंच टुडे आई मेड चिकन थाई करी। ये बहुत ईजी है बनाना, मतलब 15 मिनट में बन जाती है। इसके लिए बस थाई करी पेस्ट में कोकोनट मिल्क और सब्जियाँ डालनी है बस। एंड थाई करी पेस्ट घर पर बन सकता है, पर उसके लिए गलैंगल और थाई इंग्रीडियंट्स चाहिए होते हैं, तो उससे ईजी ये होता है कि आप करी पेस्ट का एक सिंगल सैशे आता है वो ले लो एंड यू हैव अ रियली गुड थाई करी एट होम। मैंने राइस बहुत थोड़े से लिए हैं और करी बहुत सारी है, क्योंकि मुझे इसके बाद वर्कआउट जाना है तो ज़्यादा हैवी ना हो जाए। टेक्निकली इसमें थोड़ी कम सब्जियाँ डलती हैं, बट यू नो मी एंड मेरा सब्जियों के लिए प्यार, तो मैं तो बहुत सारी सब्जी डाल देती हूँ। सब कुछ डाला है मैंने, ब्रोकली गाजर प्याज जुकीनी ग्रीन वाली येलो वाली ब्रिंजल बीन्स, बस इट्स टू गुड। थाई करी पेस्ट इज स्पाइसी, तो कोकोनट मिल्क उसके स्पाइसीनेस को कट करता है, बहुत ही स्मूथ क्रीमी एंड अलॉन्ग विथ सो मैनी वेजिटेबल्स, ओ बहुत स्वाद बनी है ये। आज जिम के बाद मैं डायरेक्ट बंजारा मार्केट गई थी, इसलिए आते ही आई एम हैविंग सम राइस एंड चिकन थाई करी। मैं डिनर करूँगी, बट दिस इज़ लाइक अ प्री डिनर एंड इट इज़ अ बिग बोल, बट ठीक है, आई एम हंग्री। आज डिनर में मैंने बनाए हैं 2 डोसे, जो कि मेरे डोसे बहुत अच्छे बनते हैं, बट आज तवा थोड़ा सा मेरे को परेशान कर रहा था, और साथ में है चिकन घी रोस्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। मैंने कास्ट आयरन बहुत दिनों बाद यूज़ किया है, और बस वो उस पर डोसा चिपकता रहा। सो आई हैड अ रियली हार्ड टाइम, मैं बहुत देर से चिकन घी रोस्ट बनाना बहुत आसान है, लिटरली 15 मिनट भी नहीं लगते हैं, 20 मिनट मान लो, चलो 5-10 मिनट मैरिनेट भी करते हैं, एंड इट इज़ वेरी टेस्टी। मैं इसकी रेसिपी पक्का बनाऊंगी जब एक बार नवरात्रि वगैरह ख़त्म हो जाए, उसके बाद 10-15 दिन बाद बनाऊंगी फिर से। बहुत सही बना है, आई विश यू कुड eat this virtually. ऐसा बहुत दिनों बाद हुआ है मुझे, एवरी बाइट के बाद ऐसे निर्वाणा मिल रहा है, इतना नीड टू वॉच समथिंग। आई विल सी यू एंडिंग द डे विथ सम मिंट टी एंड आई विल सी यू टुमारो, बाय।